नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं जो वाइसल सिग्नल कम स्किनर बना है और उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ और मेरा पेड से भी व्हाट्सएप ग्रुप के शेयर करता हूँ। तो वो कल जो फाइल शेयर किया था उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा आज, तो वो मैंने आप लोग को दिखाऊँगा। मैंने ये देखिए, आप लोग नाम देख सकता है, कल मैंने ये फाइल शेयर, उसको मैं एक बाइसल लेवल कम स्किनर और एक बाइसल लेवल फाइल, तो मैंने सुबह में भी अपडेट करके फाइल शेयर किया था, तो वो दिन ही देखूँगा, तो एक ही फाइल देखूँगा। तो उसका थ्रू वो आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोग को दिखाऊँगा। इसका मकसद ये है कि आप लोग को पता चलेगा कि इस एक ऐसे इफेक्टिव भी काम किया करता है और इसको आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकता है, मतलब यूज़ किया कैसे कर सकता है। बहुत सारा आदमी बोलता है कि आप लोग को मतलब बाइसल लेवल को कैसे यूज़ किया कर सकता है, ये हम लोग को मतलब समझ में नहीं आता है। तो ये फाइल देख के मैंने जब चार्ट में दिखाऊंगा तो आप लोग को होपफुली समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और इसका इफेक्टिवनेस कैसे है, तो आप लोग को उसको पता चलेगा। तो देखते हैं, अभी ये इधर से डाउनलोड कर दिया, इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि नेट में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने देखिए, मैंने पहले बाइसल और मैं ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो बाइसल लेवल देता हूँ इंसर्ट डबर NR4 NR7 और 100 day image strategy, ये आप लोग को GMM स्ट्रैटेजी, ये सब आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे मिल जाता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारा स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसको सब्सक्राइब करने ये फाइल में क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, उसका वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए, हाउ टू स्क्रीन, और इसका परफॉर्म पिछले वाला परफॉर्मेंस वाला वीडियोस भी देख लीजिए। मोस्ट इफेक्टिव है तो यूज़ दिस फाइल या फिबोनाची स्ट्रेटेजी, ये सब आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को फाइल में क्या क्या है और कैसे इसको स्क्रीनिंग करना है और कैसे ये परफॉर्म करता है, कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, वो आप लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और ये फाइल डाउनलोड करना, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को दिया जाएगा और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक भी यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा वीडियोज़ का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए, इधर बाइसल लेवल 1, 2 और 3 देता हूँ। मैंने अली बाइसल लेवल का 1 का एक दो करके दिखाऊंगा। मैंने सभी स्ट्रैटेजी का जो मैंने देता हूँ व्यू और वो एक दो करके दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने ACC को पहले चुन लेता हूँ। ACC को देखिए, 1435 इसका बाई लेवल था और आज का बाई लेवल था और इधर 1427 इसका लो लेवल था और आज का हाई लो हुआ था 1438 और 1401। तो देखते हैं तो कैसे इसको परफॉर्म किया है, मतलब इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता था। लाइव मार्केट में ऐसा होता है कि वैसे लेवल निकल जाता है तो उसको आप लोग कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कहाँ पर एंट्री लेना है, तो नेक्स्ट लेवल पे एंट्री लेना है, वो भी मैंने आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इधर पहले ओपन होते ही ये 1419 से 1401 तक ये लो मार दिया था। तो इधर देखिए, मेरा बाई लेवल था 1435 और 1427। आप लोग चार एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज़, एक कॉल ले लेता हूँ। हेलो, हमें एक वीडियो बनाची है, एक पर ओके तो इसका ACC का मैं देखिए 1419 में इसका लो गया था, इसके बाद ये 1435 का लेवल 1435 का लेवल से ये 1438 तक गया था, उसके बाद नहीं जा पाया। तो उसके बाद जब आप लोग बाई लेवल देखेंगे तो 1435 से 1438 तक ही मिलता था। उसके बाद आप लोग जब इससे सेल्स साइड में ओपन होते थे, जो जब 1427 के नीचे फिर से जब आया था, उसका जब ये 1427 से ये 1403 तक आ गया था,
तो उसके बाद मैंने और भी कुछ देख लेता है, कुछ भी देखिए। सोच लीजिए भारती एयरटेल, इधर मैंने भारती एयरटेल देख लेता हूँ। भारती एयरटेल में देखिए इसका, भारती एयरटेल में 546.75 इसका वाई का लेवल था और 543.39 मतलब 35 या 40 आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका वाई सेल लेवल था। तो 546 का तो हाई नहीं गया था, इसका नीचे 539 के नीचे आप लोग एंट्री लेते थे तो इधर तो स्टॉप लॉस नहीं लगता था, उसके बाद आप लोग का प्रॉफिट आ जाता था 528 तक। ये 528 तक तो इधर चार्ट में दिख रहा है, 527.25 तक इसका लो हुआ था। तो और भी देख लेता है कुछ भी, सोच इधर सोच लीजिए आइस मोटो थोड़ा सा बड़ा स्टॉक्स है, सोच लीजिए इसको टाइटन को एक बार देख लेता है। टाइटन का देखिए 1330 इसका बाई का एंट्री लेवल था, 1325 सेल का एंट्री लेवल था। तो टाइटन का देखिए कितना था, 1325, तो 1330, 1325, 1300, ये 1325 को तो ऊपर गई नहीं गया पाया, 1325 इसके इसका पहले ही लो आया था 1298। तो इस देखिए सेल साइड में इसका नेक्स्ट लेवल को आप लोग को नेक्स्ट लेवल देखना है, 1325 के नीचे 1322, 1320, 1317, 1306। अब आप लोग कौन सा एंट्री लेवल देख सकते हैं, देखिए इधर 1298 तक लो आया था, उसके बाद 1298 के नीचे इसका देखिए कहाँ पर एंट्री लेवल हो सकता था, 1306 के बाद। अब लोग 1206 से एंट्री लेते थे तो 1298 तो मिल जाता था, अब लोग 1285 से भी एंट्री लेते सकते थे शायद, देखना पड़ेगा। 1285 के एंट्री लेने से भी आप लोग को 1274 तक लो आ गया था, और आप लोग 1298 से इकोन 1298 से भी एंट्री ले सकते थे। तो उस क्योंकि 1306 से एक लेवल था, उस लेवल भी आप लोग पकड़ सकते थे 1306 से। इधर देखिए इधर जब 1306 में जब लेवल था उसका नीचे आप लोग एंट्री ले सकते थे, इधर जब 1300 इधर से आप लोग एंट्री ले सकते थे, और चार्ट में भी आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे ये एंट्री लेना है। अच्छा तो मैंने उसके बाद 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रैटेजी मैंने देता हूँ उसको देख लेते हैं। इधर देखिए सोच लीजिए पेट्रोनेट को पकड़ लेता हूँ, पेट्रोनेट का देखिए हाई लो कितना था, आप लोग को चार्ट में ही देख लेना पता चल जाएगा। इधर मैंने डेली चार्ट का लगाता हूँ, ये देखिए इधर अगला दिन का हाई तो तोड़ नहीं पाया, लेकिन लो जब तोड़ा तो 265 से 266 तक आया था। और इसके बाद सोच लीजिए रेक लिमिटेड का थोड़ा सा छोटा स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स में देख लेते हैं, पीपीएल को देख लेते हैं। पीएल को देख लेने से देखिए इधर पीएल का अगला दिन का हाई लो क्रॉस नहीं कर पाया तो इसको छोड़ देते हैं। इधर आरबीएल नरेक लिमिटेड, इधर टाटा मोटर्स, विप्रो, टीवीएस मोटर्स, यूबीएल को एक बार देख लेते हैं। यूबीएल में इसका नहीं हो एंट्री ले नहीं रहता था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इंसर्ट द ट्रेड, अच्छा इसमें और भी एक स्ट्रैटेजी है जीएमए स्ट्रैटेजी, मैंने आप लोग को जो बोला था। देखिए इधर अगला दिन जो अप या डाउन था तो आज ये कैसे परफॉर्म किया उसका लेवल पे वो आप लोग को देख लेता है एक बार। तो चलिए ऐसी के साथ देख लिया, अदानी एंट को एक बार देखिए अप साइड में था ये, तो इधर देख लेता है अदानी एंट।